नमस्कार, मैं हूँ सुलैना अस्थाना और मैं मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। और यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी जो कि जिसका नाम है मॉडर्न युवा मंच, जिसको हम लोगों ने लास्ट ईयर शुरू किया था। और इस प्रोग्राम के जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि संसद का जो सेटअप है वो कैसा होता है, क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में वो राजनीति में सक्रिय तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए, तो उनको अवगत कराना जरूरी है कि संसद में होता कैसा है। जो हम अभी पिक्चर देखे संसद में कुर्सी में उठा करके फेंकने वाली, तो वैसी इमेज हमको नहीं चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स के जरिए, स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहते हैं कि संसद में एक वाकई काम कैसे होता है, कैसे वहाँ पे कैसे क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे किसी बात पे डिस्कशन होता है, और जिस बात पे डिस्कशन होता है उसको एजेंडा बोलते हैं। तो अभी हमारे यहाँ का प्रोग्राम का एजेंडा है कि वेब सीरीज शुड बी रेगुलेटेड। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड स्क्रीन यूजेज ज़्यादा हो रहा है, टीवी की बजाय हम वेब सीरीज़ ज़्यादा देखते हैं। तो हम वेब सीरीज में देख रहे हैं, तो वेब सीरीज में 100 साल पुराने तो मैं नहीं कहूँगी, बट कई साल पुराने सेंसर बोर्ड की धज्जियाँ उड़ा करके रखी है। कुछ भी दिखाते हैं और कुछ भी दिखाते हैं, सिर्फ वायलेंस और क्या बोलेंगे हम, वीमेन रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही खराब है, औरतों को भी किस तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि कैसे हमें वेब सीरीज के ऊपर भी कोई एक रेगुलेटिंग बॉडी रखनी चाहिए, जिससे कि जो उसका कंटेंट है, क्योंकि अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे, उस कंटेंट को चेक नहीं करेंगे, तो ऑडियंस के बीच में हमारा कंटेंट बिना फिल्टर चला जाता है। पिछले साल से इस बार क्या कुछ नया है? इस बार से हमारा जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो बच्चों को थोड़ा बहुत पता नहीं था, जैसा हम संसद का सेटअप देखते हैं, लेकिन इस बार से हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्ली टू फॉलो, और जो इशूइंग ऑफ रेड कार्ड, वार्निंग कार्ड है, वो सब शुरू किया है। मैम कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? इसमें अराउंड हमारी जो टीम है उसमें 12 लोग हैं और मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, तो पूरा सारा बाइफरकेशन है, पब्लिक अफेयर्स है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, और जो दो अहम भूमिका है वो है सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर जनरल की। और अभी इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ बच्चों के साथ मैंने शुरुआत करी थी और अब की बार नई टीम हमारे साथ शामिल हुई है, तो वो जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी है तो उसमें लास्ट ईयर का जो सेक्रेटेरिएट है वो अब नए लोगों को अपना बैच ट्रांसफर करेगा, तो ये इस बात की नई बात है। मैम मॉडर्न युवा मंच, इस नाम के पीछे कोई प्रमुख कारण? नहीं, मॉडर्न तो हमारे कॉलेज का ही नाम है और युवा, चूँकि मेरे जो बच्चे इन्वॉल्व हैं वो सब युवा हैं और मंच उनको प्रदान किया जा रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि मॉडर्न युवा मंच एक बेहतर नाम होगा।